सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे एंड यू आर वॉचिंग ट्रेन टॉक्स एपिसोड नंबर 103। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को अपडेट्स के साथ में। सो दोस्तों, आज की पहली अपडेट आ रही है कर्नाटका संपर्क क्रांति और चेन्नई दुरंतो को लेकर के। एक्चुअली बात ये थी कि इन दोनों ट्रेनों के साथ, जो मुझे पर्सनली लगता भी था कि ये जब दिल्ली से शुरू होती थी तो सीधे झांसी रुकती है, ठीक है, निजामुद्दीन से चलती है सीधा झांसी रुकती है, उसके बीच में कोई भी स्टॉप नहीं है। तो हो सकता है कि 25th दिसंबर के बाद से ये ट्रेनें ग्वालियर पे भी रुकना शुरू हो जाए। कम से कम कर्नाटका संपर्क क्रांति, जो कि एक एक्सप्रेस कैटेगरी की ट्रेन है, इसको कम से कम आगरा के एंड पे भी रुकना चाहिए। स्टॉपेज करने के पीछे जो मेन कारण है वो है पैसेंजर्स का बिहेवियर। एक्चुअली रेलवेज बहुत लंबे टाइम से नोटिस कर रहा था कि जो पैसेंजर्स इन ट्रेनों के अंदर ट्रैवल करते हैं वो ग्वालियर पे चेन पुल करके ट्रेन को रोकते थे और फिर उतरते थे, ठीक है, एंड उतरने के बाद किसी को पकड़ना बहुत मुश्किल है। सो द थिंग इज कि रेलवे ने सोचा बार बार इस तरह से करने से अच्छा है कि हम एक स्केड्यूल हॉल्ट ही ट्रेन में डाल दें। दोस्तों, जोधपुर से चलकर इंदौर को जाने वाली रणथंभौर एक्सप्रेस 24/12/2018 यानी कि आज की तारीख से इस रंग के LHB डब्बों के साथ चलना शुरू हो जाएगी। सो लेट्स सी लोगों को नई फैसिलिटीज मिलेगी एंड लोग कितना ध्यान रखते हैं एक और नए LHB डब्बे का। सो यूं तो इलीगल फूड बिजनेस ऑलमोस्ट सभी स्टेशनों पर चलता है, लेकिन कुछ सर्वेज के द्वारा माना गया है कि भोपाल और इटारसी रेलवे स्टेशन के ऊपर ये जो है सबसे ज्यादा है। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पीछे एक अपडेट आई थी, इसके अंदर कहा गया था कि नो फूड नो बिल, मतलब कि अगर आप कोई खाना खरीदते हैं ट्रेन में और उसका आपके पास बिल नहीं है तो वो फूड आप नहीं खरीदोगे। बट एक्चुअली होता क्या है कि जब भी ट्रेनें चलती हैं भोपाल की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पे ज़्यादा होने का सबसे मेन कारण है, ठीक है, जियोग्राफिकल पोजीशन, ये बिल्कुल बीच में जगह पड़ती हैं। साउथ से, ईस्ट से या वेस्ट से जो भी ट्रेनें आती हैं वो ऑलमोस्ट भोपाल टच होते हुए जाती हैं, ठीक है, तो ये एक मेन कारण है। अब मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैं ऑन बोर्ड था शिरडी कालका एक्सप्रेस के अंदर, ठीक है, एंड जहाँ हम भोपाल पहुँचे तो मैंने खुद ये चीज़ देखी थी कि भाई जो प्राइवेट सेलर हैं वो बहुत सारे हैं, क्योंकि साईनगर शिरडी कालका एक्सप्रेस के अंदर पेंट्री कार नहीं होती, ऐसी जो बहुत सारी ट्रेनें में पेंट्री नहीं होती तो लोग बाहर से खरीदते हैं। तो आप लोगों से भी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया करके ऐसा ना करें। मैं मानता हूँ भूख लगती लेकिन करना पड़ता है, विदाउट बिल वाला खाना मत खरीदो, क्योंकि अगर आपको वो खाना खा के कुछ भी होता है तो आप किसी को भी ब्लेम नहीं कर सकते, रेलवे को तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है। और बाकी जो रेलवे है उसने बहुत सारी कोशिशें करी हैं, लगभग 2.5-3 लाख रुपए का जो है जुर्माना भी वसूला है इन लोगों से, उसके बाद भी ये काम जो है पूरे धड़ल्ले से चलता है। मैंने खुद ये पर्सनली ऑब्जर्व करा है, एक बार मैं खुद अपने लिए खरीद रहा था तो वो मुझे कहता है कि डीलक्स थाली 140 रुपए की है, ट्रेन डिपार्चर लेना शुरू करा वो 60 रुपए में बेचने को तैयार हो गया मुझे। अब आप सोच सकते हैं क्वालिटी कितनी घटिया होगी, 140 वाला माल 60 में बेच रहा है। दोस्तों, रेलवे एक ग्रीन पॉलिसी इनिशिएटिव लाना चाह रहा है अपने सभी एस्टैब्लिशमेंट के अंदर। एस्टैब्लिशमेंट यानी कि जो भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं, कारखाने हैं, जगह हैं, हर एक जगह के ऊपर, जिसके लिए एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाई जाएगी। उस इंडिपेंडेंट बॉडी से हर किसी को सर्टिफिकेशन लेना होगा। ओके, तो इसके अंदर है क्या कि जितने भी आपकी एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं पूरी फैक्ट्री को, बिल्डिंग को, जहाँ पे काम होता है कुछ भी, ठीक है, चाहे ऑफिस ही क्यों ना हो, तो उनको रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिसाइकलिंग एंड इस टाइप के ट्री प्लांटेशन एंड ऑक्सीजन को किस तरह से मेंटेन करने हैं, ज़्यादा CO2 एमिशन नहीं हो रहा है, इस तरह से करके उनको कुछ सारे स्टैंडर्ड्स हैं जिनको फॉलो करना पड़ेगा। अब जितनी ज़्यादा स्टैंडर्ड फॉलो करेंगे उस हिसाब से उनको रेटिंग दी जाएगी एंड उस हिसाब से उनकी ग्रेडिंग एंड मार्किंग करी जाएगी। और ये सारा रेलवे के द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट बॉडी के द्वारा काम करा जाएगा, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है। एंड गाइज, वी रियली नीड समथिंग लाइक दैट। दोस्तों, बीजेपी MLA एक है देवमानी द्विवेदी, इन्होंने यूपी विधानसभा के अंदर एक क्वेश्चन उठाया कि सुल्तानपुर रेलवे स्टेशन का नाम खुश भावनपुर कर देना चाहिए। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि हाँ ठीक है, बट एक बात देखी जाए, ये जो पर्सन है पर्सनली, सिर्फ मैं फैक्ट शेयर कर रहा हूँ, मैं ना ही एंटी बीजेपी ना ही एंटी कांग्रेस वाली बात कर रहा हूँ, जो फैक्ट ऑफ द केस है सिर्फ वो बता रहा हूँ आपको। तो ये जो पर्सन है, जो MLA साहब है, अपने घर में आज भी संस्कृत में बात करते, बात नंबर एक। बात नंबर दो, इस चीज़ को करने के लिए इन्होंने हिस्ट्री के सारे रिकॉर्ड छान मारे, और जो डाबरी मस्जिद का केस है जब मुगल होते थे उससे पहले वाले टाइम में जाकर के इन्होंने पता लगाया कि सुल्तानपुर का नाम एग्जैक्टली पहले खुश भावनपुर ही था, तो ये चाह रहे हैं कि बस वो नाम दोबारा आ जाए। मुझे कमेंट करके आप लोग बताना कि नाम चेंज करने से क्या कुछ होता है,
किसी सिटी का हाल। मुझे नहीं लगता नाम चेंज करने से कुछ भी फर्क पड़ेगा, रादर कि हम लोग अगर चार अच्छे काम करें, उतनी लड़ाई जितनी लड़ाई हम नाम चेंज करने के लिए करवाएंगे अपोजिशन में बैठकर, उतनी लड़ाई अगर हम चार फैसिलिटीज़ मांगे लोगों को पढ़ाने में, उनको किसी चीज़ में अवेयर करने में कर दें तो ज़्यादा बेनिफिट जाएगा। सो गाइस, आप लोगों को एक छोटी सी अपडेट मैं ट्रेन टॉक्स में डालना भूल गया था, इस तरह से दे रहा हूँ। एक्चुअली जो CCRS इंस्पेक्शन हुआ था ट्रेन 18 का, कल ही रिजल्ट आए हैं कि ट्रेन 18 के CCRS इंस्पेक्शन में ट्रेन जो है क्लियर हो गई है। मतलब जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने ट्रेन को पूरी तरह हरी झंडी दिखा दी है। अब लेट्स सी कब कैसे कहां तक कितनी जल्दी आपको ट्रेन की सर्विस जो है देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों, आज की इस ट्रेन टॉक्स के एपिसोड में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। लाइक कर दो इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। शुभम कुमार सैनिक, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, नाइस डे, बाय बाय।